आज हम ध्वनि पाठ के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, ध्वनि कविता के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? यहाँ पर सही जवाब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इस काव्यांश की कविता का नाम है, कविता का नाम क्या है? ध्वनि। प्रश्न है, अभी किसका अंत ना होगा, अभी कवि के जीवन का अंत नहीं होगा, इसका सही जवाब है। प्रश्न है, कवि पुष्य पुष्य से क्या खींच लेना चाहता है, तंद्रालस आलसा को वह खींच लेना चाहता है। प्रश्न है, कलियां किसका प्रतीक है? आप जल्दी से जवाब बताइए कमेंट सेक्शन में कि कलियां किसका प्रतीक है। मैं आपको जवाब बता देती हूँ, यहाँ पर सही जवाब है नवयुवकों का। हमारा प्रश्न आता है कि कलियां कोमल में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, आप बताइए पहले, मैं आपको समय देती हूँ, उसके बाद मैं आपको आंसर बताती हूँ। अभी मैं बता रही हूँ इसका सही जवाब, इसका सही जवाब है अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर प्रश्न आता है कि कवि पुष्यों को सहर्ष किससे सींचना चाहता है, कवि पुष्यों को सहर्ष किससे सींचना चाहता है, सही जवाब है नवजीवन के अमृत से सींचना वह चाहता है। हमारा प्रश्न आ रहा है कि कवि खिले फूलों को कहाँ का द्वार दिखाना चाहता है, आपको कविता याद है तो आप ज़रूर इस प्रश्न का जवाब दे सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप बताइए मुझे, मैं फिर भी इसका जवाब आपको बता देती हूँ, ये है अनंत का। यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी, अनंत का।